लॉजिकल रीजनिंग की ये एग्जांपल क्वेश्चन हमारे सामने है. वाइन चीज बटर एंड रेजन्स आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ अर्ली टेक्निक्स टू प्रिजर्व फूड. इन मॉडर्न टाइम्स फूड साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड अदर टेक्निक्स सच एज डिहाइड्रेशन हर्मेटिक सीलिंग एंड रेडिएशन. Of these, radiation is the most controversial because preliminary studies have shown that radiation alters the natural chemical bond in fruit and vegetables. Instead of providing salutary effects, eating radiation produce may well introduce irritating chemical into the body, creating possible health hazard. तो उसका कहना ये है कि पहले पुरानी टेक्निक फूड को स्टोर करने की वाइन चीज और बटर थी, और अब साइंटिस्ट ने जो टेक्निक अडॉप्ट की है उसमें डिहाइड्रेशन यानी पानी खुश कर लेना और रेडिएशन भी है. रेडिएशन जो है वो सबसे ज्यादा हमारे पास मुतनाज़ा है, क्योंकि स्टडीज ने ये शो किया है कि रेडिएशन से केमिकल बांड जो है फ्रूट और वेजिटेबल का वो बदल जाता है और बॉडी में ऐसे केमिकल जा सकते हैं जो नुकसानदेह. ये थी उसकी आर्गुमेंट. अब क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ फॉलोइंग इफ ट्रू सपोर्ट द कंक्लूजन दैट ईटिंग रेडिएटेड प्रोड्यूस पोसेस ए पॉसिबल हेल्थ हैजर्ड. इनमें से कौन सी ऐसी बात है जो ये हमारा जो ऊपर वाला कंक्लूजन था कि ये सेहत के लिए नुकसानदेह है उसको सपोर्ट करती है, वो फैक्ट जो ऊपर वाले कंक्लूजन को सपोर्ट करता हो. कंक्लूजन क्या था कि रेडिएशन से नुकसान है सेहत के लिए. तो बारी बारी ऑप्शंस का जायजा लेते हैं. ऑप्शन ए कहती है रेडिएशन अफेक्ट्स ओनली दोज केमिकल बॉन्ड्स एसोसिएटेड विद वाटर दैट इज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. रेडिएशन सिर्फ उन केमिकल बॉन्ड्स पे असर करती है जिनका तल्लक पानी के साथ है, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ. तो अगर हम गौर करें कि जो हमारे पास फ्रूट और वेजिटेबल्स हैं उन सब के अंदर वाटर होता है, तो वाटर अगर उनके अंदर होता है तो इसका मतलब ये है रेडिएशन करने से उनके बॉन्ड्स की नौइयत बदल जाएगी, और अगर बॉन्ड की नौइयत बदल जाएगी तो वो नुकसान भी दे सकते हैं. ऑप्शन बी कहती है रेडिएशन किल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट हैसन फूड डिके. वो चीजें जो खुराक को गलाने में तेजी पैदा करती हैं उन्हें ये किल कर देती है, तो ये तो उसका फिर फायदा है, ये तो नुकसान नहीं है. सी द रेडिएशन इंड्यूस्ड बॉन्ड्स आर अनलाइक एनी ऑफ दोज बॉन्ड इन नॉन रेडिएटेड प्रोड्यूस. तो जो रेडिएशन वाले ये बॉन्ड हैं वो मुख्तलिफ हो जाते हैं नॉन रेडिएटेड से, यानी रेडिएशन से बॉन्ड के अंदर तब्दीलियां आ जाती. तो तब्दीली अब वो मुस्बत है कि मनफी है, नुकसानदेह है कि फायदा मंद है, इसका जिक्र यहां मौजूद नहीं है. डी सर्टन माइक्रो ऑर्गेनिज्म नेमली दोज फाउंड इन यूगर्ट कल्चर आर एसेंशियल फॉर प्रॉपर डाइजेशन. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो यूगर्ट वगैरह में होते हैं उस वो तो सेहत के लिए फायदा मंद है, तो रेडिएशन से क्या होंगे वो भी किल हो जाएंगे. लेकिन अगर हम अपने आर्गूमेंट को देखें तो उसमें असल में दही वगैरह की तो बात ही नहीं हो रही, ज्यादातर ऐसी फूड की बात हो रही है जो फ्रूट और वेजिटेबल पे मुश्तमिल है. और ई कहता है रेडिएशन हैज नो इफेक्ट ऑन फूड प्रिजर्व बाय ड्राइंग. जिसको हम खुश कर लेते हैं उस पे रेडिएशन का कोई असर नहीं होता. तो आर्गुमेंट खुश की हुई पे रेडिएशन की बात नहीं कर रहा, जनरली रेडिएशन की बात कर रहा है, इसलिए ये थोड़ा इररेलीवेंट हो जाता है. तो डी और ई थोड़े से इररेलीवेंट हैं, और सी ये नहीं बताता कि जो बॉन्ड में तब्दीली है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, और बी जो फायदा बताता है वो तो फायदा है नुकसान नहीं है. तो वाहद ऑप्शन जो नुकसान की साइड पे जा सकती है वो ऑप्शन ए है कि ये पानी के बॉन्ड को बदल देती है. सो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए. तो आप इस पैरे को दोबारा खुद से पढ़ें, पास करके अच्छी तरह से पहले पैरे को समझें, फिर ऑप्शंस पे गौर करें, और फिर ये देखें कि मैंने चॉइस क्यों ली है, और बाकी ऑप्शन पे भी गौर करें. और अगर आपको कोई और बात बेहतर लगे तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं. लेक्चर सुनने का शुक्रिया.